दोस्तों, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल का शूट अब शुरू हो चुका है। इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म का एक धमाकेदार पोस्टर और टीजर भी रिलीज कर दिया है, जो कि लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। वहीं रिलीज किए गए इस टीजर ने फिल्म की हाइप आसमान में पहुंचा दी है। टीजर में अल्लू अर्जुन के जंगल वाले लुक को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है पुष्पा द रूल को देखने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, इस बार फिल्म में हमें पहले से भी जबरदस्त आइटम सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। और फिल्म के मेकर्स ने बॉलीवुड की दो खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस दिशा पाटनी और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही को भी फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट कर लिया है। और खबरें तो ये भी आ रही है कि फिल्म के गानों का शूट अब शुरू हो चुका है और पुष्पा 2 की तरफ से सबसे पहले गाना दिशा पाटनी और अल्लू अर्जुन का आइटम सॉन्ग ही होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, इस बार फिल्म में हमें खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का भी एक स्पेशल कैमियो देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मेकर्स ने उनके रोल को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। इसी के साथ बात करें फिल्म के बाकी की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में हमें इस बार विलन के रोल में हमें विजय सेतुपति नजर आने वाले हैं और फीमेल लीड में हमें एक बार फिर रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ अपने वही पुराने शिवल्ली के रोल में नजर आने वाली है। और इनके अलावा साई पल्लवी, फहाद फासिल, प्रकाश राज और जगपति बाबू भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो पुष्पा द रूल को भी सुकुमारन जी ही डायरेक्ट करने वाले हैं और पुष्पा 2 में हमें पहले से भी जबरदस्त एक्शन सीन्स और स्टोरी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही इस बार फिल्म में हमें बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार्स का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है। और फिल्म की हाइप को देखने के बाद लग रहा है कि ये फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस तो आसानी से कर ही लेगी और हो सकता है ये फिल्म पठान और KGF जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दे। वही बात करें फिल्म के रिलीज डेट की, तो फिल्म इसी साल 21 दिसंबर को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी अल्लू अर्जुन के साथ दिशा पाटनी और नोरा फतेही को एक साथ देखने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।